class. You all are welcome to my YouTube channel. Today we are going to start Bipin Chaudhary's Lapse of Memory from Honeydew for 8th class. Okay. So before starting the explanation of this chapter, I would like to explain the meaning of this chapter. Bipin Chaudhary is the name of a person. एक व्यक्ति का नाम है और उनकी lapse of memory, उनकी याददाश्त से related है कि उनकी किस तरीके से याददाश्त खो जाती है. अगर आपसे भी कोई कहे कि आपकी आपको वो बात याद है जो आपको बिल्कुल याद ना आ रही हो तो आपको कैसा फील होगा, ये भी इसी चैप्टर में बताया गया है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन आई वुड लाइक टू से यू, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़ टू रिलेटेड योर सिलेबस. ओके, प्रेस करिए बेल आइकन को जिससे कि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए. नाउ लेट स्टार्ट एक्सप्लेनेशन से पहले बिफोर यू रीड इस चैप्टर को स्टार्ट करें हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. डू यू हैव ए गुड मेमोरी, क्या बच्चों आपकी याददाश्त अच्छी है. हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू, क्या कभी आपकी याददाश्त ने आपके साथ कोई शरारत की है, कोई ट्रिक आजमाई है. Forgetfulness often puts you in a tight spot. अगर आपको भूलने की आदत है तो ये बात आपको कभी मुश्किल में डाल सकती है, टाइट सिचुएशन हो सकती है. But forgetting a part of your life completely may drive you. लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी के कोई महत्वपूर्ण हिस्से को भूल जाते हैं तो आप एकदम से बिल्कुल क्रेजी हो जाएंगे, एकदम पागल हो जाएंगे. In this story, इस स्टोरी में बिपिन बाबू goes nearly crazy. लगभग पागल ही हो गए हैं बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि उन्हें रांची की कोई भी बात याद नहीं है. एंड ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, और उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो तो कभी रांची गई नहीं. ही इंस्टिंस्ट दो देयर आर मैनी यूनिट सॉरी मैनी विटनेसेस टू द कंट्ररी. What is the suspense is all about? और वे जिद करते हैं कि कभी रांची गए नहीं, यद्यपि उन्हें विपरीत बहुत से गवाह, इसके विपरीत बहुत से गवाह हैं. कोई उनको झूठ बोल के बता रहा है कि तुम वहाँ गए हो, तुम्हारे साथ ये हुआ, और जब वो चेक कर रहे हैं तो वो उनको सारी बातें दिख रही हैं लेकिन उनको ये बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि वो कभी रांची गए हैं. आखिर यह संदेह क्या है, वॉट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट, आखिर इसमें कौन सा ऐसा संदेह छिपा हुआ है. Now let us start part 1. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in Newmarket to buy books. अब देखिए बच्चों थोड़ा थोड़ा मैं इसमें इंग्लिश रीड करते हुए आपको एक्सप्लेनेशन देती चली जाऊँगी. वह सोमवार काम से वापस लौटते समय एवरी मंडे हर मंडे को ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क जब वो काम से लौटते थे तो बिपिन चौधरी वो ड्रॉप इन एट कालीचरण न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. कालीचरण में एक मार्केट बना हुआ था, वो वहाँ पर बुक्स खरीदने के लिए रुकते थे. और वो वहाँ पर कौन सी बुक्स खरीदते थे, क्राइम्स स्टोरी, घोस स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. उनको मतलब जो कहना चाहिए कि बिल्कुल अपराध वाली, प्रेत वाली, रहस्यमय ये वाली स्टोरीज उनको पढ़ना पसंद था. एंड He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. और वो एक हफ्ते के लिए कम से कम 5 बुक खरीद के रखते थे. He lived alone, क्योंकि वो अकेले रहते थे. Was not a good mixture, और वो लोगों से एकदम से अच्छे से मेलजोल नहीं करते थे. Had few friends, उनके कुछ बहुत ही गिने चुने मित्र थे. And did not like spending time in ideal chat, लेकिन वो उनसे पूरा पर्याप्त टाइम लेके बातचीत नहीं करते थे. टुडे एट कालीचरण्स जब वो कालीचरण मार्केट में आए, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग द समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, कि कोई उनको बहुत पास से घूर घूर के लगातार देख रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है. ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड, वो मुड़े और उन्होंने देखा कि एक गोल चेहरे वाला, विनम्र सा दिखने वाला व्यक्ति उन्हें लगातार देख रहा है और वो उनको देख के मुस्कुरा भी रहा है. हु नाउ ब्रोक इन टू स्माइल, जो घूर रहा था अब वो मुस्कुरा भी रहा है. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी,
तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचानते हैं। तो विपिन बाबू ने उनको जवाब देते हुए कहा हैव यू मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं। विपिन बाबू ने उनसे पूछा, जब उन्होंने कहा क्या आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या हम पहले मिल चुके हैं। होपफुली ये वाला पैरा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सी, आगे देखते हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, और वो आदमी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, कि हम पूरे सप्ताह मिलते रहे हैं। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, मैंने आपके लिए एक कार भी अरेंज की थी हुड्रू नदी के पास जाने के लिए इन 1958। अब वो एक सन का भी बता रहा है, ईयर बता रहा है कि 1958 में मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था भी की थी इन रांची, रांची में। माई नेम इज़ परिमल घोष, और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम परिमल घोष है। क्लियर हो गया ये इतना? देखिए परिमल घोष यहाँ तक आ गया, पिक्चर जो बनी हुई है इसके नीचे तक। अब इसके आगे का देखते हैं हम। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक, लेकिन अब वो क्या कहते हैं, अब रांची, रांची का नाम सुनते ही वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, और विपिन बाबू को ये बात रियलाइज़ होती है कि इट वॉज नॉट ही बट हिज मैन वॉज मेकिंग ए मिस्टेक, कि उनको उस व्यक्ति को जरूर कोई गलती हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको तो ये लग रहा था कि वह तो कभी रांची गए ही नहीं हैं। एंड विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि वो तो कभी रांची गए ही नहीं हैं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट, उन्होंने कई बार जाने की कोशिश की थी लेकिन वो कभी भी जा नहीं पाए। ही स्माइल्ड एंड सैड, वो हंसे और उन्होंने कहा डू यू नो हु आई एम, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तब देखिए क्या हुआ, द मैन रेज हिज आईब्रोज, उस आदमी ने अपनी आईब्रोज को उठाया, और बट हिज टंग एंड सैड, लेकिन उसकी जो टंग उसकी जिव्या थी, और कहा उसने अपनी जुबान काटी और कहा, उस आदमी ने अपनी भौहें चढ़ा ली जब उन्होंने कहा ना क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। अब इस बात से उस आदमी ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली और अपनी जीभ को, मतलब अपने आप को बहुत अजीब सा फेस एक्सप्रेशन देते हुए उसने कहा क्या मैं आपको जानता हूँ। विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता, डू आई नो यू, तो हु डज नॉट नो विपिन चौधरी, विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता। विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सैड, अब वो अपनी किताबों के शेल्फ्स की तरफ बढ़े और उन्होंने कहा, क्या कहा देखिए, यहाँ देखिए कहते हैं स्टिल, वो किताबों की तरफ देख रहे थे, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, उन्होंने कहा मुझे लगता है फिर भी आप कोई गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डज आई हैव नेवर बीन टू रांची, मुझे नहीं याद आ रहा कि मैं कभी भी रांची गया हूँ। थोड़ा सा ये चैप्टर कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, क्योंकि इसमें एक आदमी विपिन चौधरी नाम का है जो हर हफ्ते जो है अपने लिए कालीचरण मार्केट में बुक्स खरीदता है, लगभग 5 बुक खरीदता है। उसको वहाँ पर फील होता है कि एक आदमी उसको लगातार वॉच कर रहा है, तो उससे पूछती है कि आप मुझे जानते हैं, तो उनको बताता है कि 1958 में आप मेरे साथ रांची में थे और मैंने ही आपके लिए वहाँ पर घूमने के लिए कार की व्यवस्था की थी। इस तरीके से वो बहुत सारे सवाल उनसे पूछ रहा है और विपिन बाबू जो है थोड़े से परेशान हो रहे हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप देखिए अब विपिन बाबू जो है उन्होंने कहा कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। वाट आर यू सेइंग, तो वो आदमी कहता है कि आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी, यू हैड ए फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी, आपको याद है कि आप जब वहाँ हुड्रू नदी के पास गिर गए थे तो आपके सीधे पैर में एक कट लग गया था। आई ब्रॉट यू आयोडेक्स, मैं आपके लिए आयोडेक्स खरीद के लाया। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेत्रहात द नेक्स्ट डे, और आपके लिए मैंने वहाँ से जाने के लिए कार की एक व्यवस्था की अगले दिन, बट यू कुड नॉट, आप नहीं गए बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि आपके घुटने में बहुत दर्द था। कैन नॉट यू रिकॉल एनीथिंग, कि आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो एक नाम दिया हुआ है यू टू गो टू
नेत्राहत ये एक जगह का नाम है बच्चों। समवन एज यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। तो वो कह रहे हैं कि आपको कुछ याद नहीं आया, एक और भी है जिसे आप जानते हैं, वह है दिनेश मुखर्जी, वो भी उस समय रांची में थे। अब वो आदमी उनको, परिमल घोष जो है वो उनको एक दूसरे व्यक्ति का नाम भी याद दिला रहा है, दिनेश मुखर्जी का। वो कहता है यू स्टेड इन ए बंगलो, यू सैड यू डिड नॉट लाइक होटल, आप उनके बंगले में रुके थे क्योंकि आपने कहा था आपको होटल में रुकना पसंद नहीं है, वहाँ का खाना पसंद नहीं है, एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाई ए बाबरची। बाबरची मतलब होता है कुक, जो खाना बनाने वाला होता है, क्योंकि आपको घर का बना हुआ खाना पसंद है इसलिए आप घर में कुक रखते हैं और आप वही खाना पसंद करते हैं। और यू साइड, ये तो हो गया आपका। अब देखिए आगे, मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के यहाँ रुके हुए थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट और अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर, और आपने चंद्रमा पर उतरने के विषय में एक लंबी बहस भी की थी, किसके साथ, मिस्टर मुखर्जी के साथ। आई शैल टेल यू मोर, मैं आपको कुछ और बातें याद दिलाता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग, आप अपने साथ हमेशा एक बैग रखते हैं। विद योर बुक्स, जिसमें आपकी बुक्स होती हैं। इन इट ऑन योर साइड सीइंग ट्रिप्स एज आई एम राइट और नॉट, और जब जाते हैं तो पुस्तकें हुआ करती हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ। अब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हो रहे हैं कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही हो रही है। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, अब बहुत शांति से बोल रहे थे। हिज आइज स्टिल ऑन हिज बुक, और वो उनकी बहुत धीरे से बोले, अभी भी उनकी आंखें पुस्तकों पर थीं। आई, वो कह रहे हैं विच मंथ इन 58 से यहाँ पर मतलब है 1958 के कौन से महीने में हम रांची गए थे, किस कौन से महीने की आप बात कर रहे हैं। द मैन सेड अक्टूबर, मनुष्य उस व्यक्ति ने कहा अक्टूबर मंथ में। नो सर सेड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा आई स्पेंट पूजा इन 1958 विद ए फ्रेंड इन कानपुर। तो वो कहते हैं मैंने सन 58 में पूजा के दिन अपने मित्र के साथ कानपुर में बिताए थे। पूजा के दिन अपने मित्र के यहाँ कानपुर में बिताए थे। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे, मुझे लगता है आप अभी भी गलती कर रहे हैं, आपका दिन शुभ हो। किंतु वह आदमी ना तो वहाँ से गया और ना ही उसने बोलना बंद किया। और देखिए और यहाँ पर देखेंगे हम थोड़ा सा कि वेरी, ना तो उसने बोलना ही बंद किया। वेरी स्ट्रेंज वन इवनिंग, और वो अद्भुत एक शाम थी कि वन इवनिंग एक शाम को आई हैड टी विद यू इन बरांडा, कि मैं आपके साथ उस बंगले में बरांडे में बैठा हुआ चाय पी रहा था। यू स्पेक अबाउट योर फैमिली, आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था कि आपके बच्चे नहीं हैं। दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ, और आपने अपनी पत्नी को खो दिया है 10 years ago, 10 साल पहले। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सैन, और आपके भाई की भी मृत्यु हो चुकी है, और जो वो व्यक्ति आपका भाई था वो भी इंसान, मतलब उसके अंदर सेंस नहीं रहा था, यानी कि वो भी पागल होकर मर गया था। और विच इज़ वाई यू डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इस कारण से आप कभी भी रांची के जो मेंटल हॉस्पिटल था, पागलों का अस्पताल, वहाँ पर भी कभी जाना पसंद नहीं करते। वैन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वाज लीविंग द शॉप, और जब वहाँ से पेमेंट करके बुक शॉप से जाने लग गए, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन द अटर डिसबिलीफ, तभी भी वो व्यक्ति उन्हें घोर आश्चर्य के साथ भरी हुई निगाहों से देख रहा था, घोर आश्चर्य के साथ उनको देख रहा था। स्टिल लुकिंग एट हिम इन द अटर डिसबिलीफ, बहुत ही आश्चर्य के साथ उनको देख रहा था। आपका ये फर्स्ट पार्ट इसका ख़त्म हो गया है, सेकेंड पार्ट के लिए यू विल वेट, और मैं आपके सेकेंड पार्ट बनाऊंगी। इसके बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों,
तो इसको मैं आपको लगभग 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस चैप्टर इन 3-4 पार्ट. आई थिंक 4 पार्ट, यस आई विल डिवाइड दिस चैप्टर इन 4 पार्ट्स. यू विल वॉच एवरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड इट इजिली. वंस अगेन इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.